18 जनवरी को पहली बार कुछ बच्चे इस मांग के साथ बैठे थे कि अध्यक्ष जी का इस्तीफा चाहिए। लेकिन शाम तक जब हम पहुंचे तो वो यौन उत्पीड़न में कन्वर्ट हो गया, जिसको लेकर के दो जांच समिति बनी, एक खेल मंत्रालय की और एक ओलंपिक संघ की। और आप लोगों ने सुना होगा जब हम दिल्ली पहुंचे और मीडिया के लोगों ने सांस देने का मौका दिया, कैसे हमने पूछा था कब हुआ, कहां हुआ और क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ और क्या हुआ। और साथ ही साथ मैंने कहा था कि एक भी आरोप अगर मेरे ऊपर सिद्ध हो जाएगा तो मैं स्वयं फांसी पर लटक जाऊंगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि आज जैसे कुछ समझदार लोग केकई को अच्छा मानते हैं, मंथरा को भी अच्छा मानते हैं, वैसे ये बिजनेस फोकाट भी मेरे लिए कुछ अच्छा काम मेरे द्वारा करवाने वाली है, इसीलिए यह आरोप मेरे ऊपर लगाया। भाइयों, मैं बताना चाहता हूं, मैंने संतों से कहा है ये दाग मेरे ऊपर लगा है, इसको धोना मेरा काम, हम इसके लिए आपकी या किसी के का सहयोग नहीं मांग रहे हैं। ये कीचड़ मेरे ऊपर लगा है, इस कीचड़ को धोना मेरा काम है। मैं संतों के आह्वान पर अपने लिए पीछे नहीं खड़ा हूं, अपने लिए नहीं खड़ा हूं। हमने तो एक दिन एक कविता पढ़ी थी, चुनरिया झीनी रे झीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, क्यों की क्यों धर दीनी, चुनरिया झीनी रे झीनी, चुनरिया झीनी रे। इस आरोप से चीफ जस्टिस नहीं बचा पा रहे हैं, चीफ जस्टिस इस आरोप में इस समय डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं इस आरोप के कारण। कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं इस आरोप के कारण, प्रतिदिन कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं इस आरोप के कारण, कितने संत आत्महत्या कर लिए। और तब मुझे लगा कि भगवान मुझे माध्यम बना करके जो इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है उस दुरुपयोग को रोकने के लिए मेरे से काम लेना चाहिए।